दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वाला पोस्ट कितना ज्यादा अभी वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम का, तो आप लोग भी ऐसा अगर पोस्ट बनाना चाहते हैं मात्र 2 सेकंड में, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको मैं पोस्ट ऐसा क्रिएट करना बस 2 सेकंड में ही सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा रहेगा, उसको क्या करना है, एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो हम भी कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आप लोगों को आ जाना है, बिंग एक वेबसाइट है उसी में आना है। आप लोगों के पास अगर एप्लीकेशन होगा तो एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन बिंग अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग वेबसाइट पर आ जाएंगे, यानी गूगल पर सर्च करेंगे bing.com, और सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, तो हम पहले से जो भी अपना क्रिएट किए रहेंगे तो उन सभी को डिलीट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम इन सभी को डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद हम जो वहां से कॉपी करके आप लोग लाए रहेंगे उसको यहां पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहां पर चेंज करना है। तो जहां पर आप लोगों को देखिए, क्रिएट ए 3D इलस्ट्रेशन ऑफ एन एनिमेटेड कैरेक्टर सीटिंग कैजुअली ऑन टॉप ऑफ सोशल मीडिया लोगो, और देखिए सोशल मीडिया का यहां पर नाम लिख देना है। तो आप लोगों को कौन सा सोशल मीडिया चाहिए, तो हमको चाहिए इंस्टाग्राम, तो हम लिखेंगे यहां पर इंस्टाग्राम। उसके बाद फिर यहां से हमको बैक आ जाना है, नीचे की ओर आना है, और देखिए यहां पर रेड हुआ है तो यहां पर क्या लिखना है, यूजर नेम लिखना है। तो हम अपना यूजर नेम लिख दे रहे हैं, तो यूजर नेम में क्या लिखेंगे दोस्तों, यूजर नेम में लिखेंगे SURAJ सूरज लिखेंगे। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मात्र हमको लगेगा 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड के समय में हमारा ये क्रिएट हो करके दे देगा एज इट इज। तो आप लोग ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, तो अभी 10 सेकंड हो जाने दीजिए। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आ चुका है, यानी कि क्रिएट हो चुका है। आप लोगों को जो मन कर रहा है वो डाउनलोड कर लीजिए और अपना लगाते रहिए। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो इस पर हम क्लिक करके रखे रहेंगे, और डाउनलोड इमेज का यहाँ पर क्लिक ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम क्लिक करके डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डाउनलोड अगेन बार बार क्लिक मांगेगा, तो आप लोग डाउनलोड अगेन पर ही क्लिक करेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि आप इसको पहले से डाउनलोड कर लिए हैं और फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप बोलिएगा कहाँ करना चाहते हैं, और इस तरह से करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने पर करके, और आपका इमेज बन करके ये क्रिएट हो चुका है।